हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारी प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड वाली बुक है जो PABSC 4th SEM की, उसका चैप्टर नंबर 5 डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का लेक्चर 2 देखेंगे। देखो क्या है, दो टाइप के स्टेटमेंट हमने पढ़ ली थी, इफ़ स्टेटमेंट एंड एल्स इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ ली थी। आज हम कौन सी स्टेटमेंट देखेंगे, नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट का क्या मतलब है, मतलब जिसके अंदर, मतलब एक ऐसी इफ़ स्टेटमेंट जिसके अंदर एक दूसरी और एक और इफ़ स्टेटमेंट अगर नेस्ट हो जाए, उसके अंदर चली जाए, तो हम क्या बोल देंगे कि वो कैसी स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अ क्लोज ऑफ इफ़ स्टेटमेंट मे इट्सेल्फ कंटेन अनदर इफ़ स्टेटमेंट। एक इफ़ स्टेटमेंट है, वो दूसरी एक अनदर इफ़ स्टेटमेंट को अपने अंदर कंटेन करती है, तो हम बोल देंगे कि वो हमारी स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। दिस कॉन्स्ट्रक्ट इज़ नोन एज नेस्टिंग, इसको ही हम क्या बोलते हैं, नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट। देखो जैसे हम इसका फ्लो चार्ट देखो कैसे करेंगे, जैसे हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट वगैरह में किया था वैसे इसमें भी हमारा फ्लो चार्ट होगा। देखो क्या होगा, सबसे पहले हमारी होगी एंट्री, एंट्री कराई, फिर होगा हमारा एक्सप्रेशन चेक। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन में अगर हमारी कंडीशन क्या हुई, सही हुई, ट्रू हुई, तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे एंड देन बाकी का बचा हुआ प्रोग्राम हमारा राइट हो जाएगा। अगर वो कंडीशन हमारी, वो एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट ब्लॉक में जाएंगे और एक नेक्स्ट कंडीशन आएगी इफ़ की ही, कि टेस्ट एक्सप्रेशन जो हमारा क्या होगा, सेकेंड, फिर उसमें देखेंगे हम कि कंडीशन सही है या गलत है। सही है तो स्टेट कोई और स्टेटमेंट ब्लॉक पे जाएंगे, फिर बचा हुआ प्रोग्राम लिख देंगे। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन दूसरा भी गलत है तो हम फिर से स्टेटमेंट ब्लॉक में जाएंगे एंड बाकी बचा हुआ प्रोग्राम लिख देंगे। ये इसका तरीका है। देखो ये हमारी, वैसे इतनी देखें अगर हम, सिर्फ इतनी इतनी, तो ये हमारी कौन सी होती थी, इफ़ तक का होता था, मतलब इफ़ एल्स स्टेटमेंट में हम इस टाइप का एक बनाते थे फ्लो चार्ट। लेकिन इसके अंदर क्या, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी एक और इफ स्टेटमेंट भी क्या हो गई, आ गई, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, नेस्टिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या हो गई, नेस्ट हो गई। जैसे अब हम एक एग्जांपल देखते हैं हमारा प्रोग्राम, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अगर पेपर में ये आ गया कि व्हाट इज़ नेस्टिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, ये आप बनाओगे, थोड़ा उसके बारे में लिखोगे एंड एक प्रोग्राम भी लिख के आओगे एग्जांपल के तौर पे। देखो क्या है, प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर, तीन नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है हमें, उसका हमें प्रोग्राम बनाना है। तो इसका ये एग्जांपल रहेगा आपका, सबसे पहले तो वही हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड गोनिया डॉट एच एंड देन वॉइड मेन, उसके बाद ब्रेसिस शुरू हो जाएंगे। कितने हमें क्या करना है, देखो ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स निकालना है, तो हमें पहले तीन नंबर तो लेने ही पड़ेंगे जिनका हमें ग्रेटेस्ट निकालना है, तो वो तीन नंबर हमने ले लिए। और वो तीन नंबर हमने किस टाइप के लिए हैं, इंटीजर टाइप के, इंटीजर ए बी सी, ये हमने तीन नंबर ले लिए और कैसे लिए हैं, इंटीजर देन सेमी कोलन। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन क्यों करेंगे, ताकि जो पहले हमने कुछ भी प्रोग्राम वगैरह लिखे होंगे उसके आउटपुट हमें इस वाले प्रोग्राम के अंदर ना मिले, इस वजह से हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन। सबसे पहले हमने इंटीजर लिए, तीन इंटीजर क्योंकि तीन में से ग्रेटर निकालना है, फिर क्लियर स्क्रीन कर दी। उसके बाद प्रिंट एफ करवाएंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी सी, इनकी वैल्यू एंटर करेंगे। स्कैन एफ, क्योंकि ये इंटीजर है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट डी, प्रेजेंट डी, प्रेजेंट डी एंड उनके एड्रेस के लिए एम्फरसेंट ए, एम्फरसेंट बी एंड एम्फरसेंट सी देन सेमी कोलन। उसके बाद देखो हमारे पास कितने नंबर्स हैं, तीन ए बी एंड सी, तीन नंबर हैं। तो हमने मान लिया इफ़ अगर ए ग्रेटर देन बी है तो उसके अंदर एक और स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी। देखो इफ़ ए ग्रेटर देन बी तो क्या हो सकता है इसके अंदर, इफ़ ए ग्रेट मतलब अगर ए बी से बड़ा है तो ए सी से भी बड़ा होगा, या फिर सी से बड़ा नहीं होगा, मतलब ए, अभी हमारी इफ़ की कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है। तो अगर ए, अब ये तो हमें पता ही है कि ए बी से बड़ा है, तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ए सी से भी बड़ा है। इफ़ ए ग्रेटर देन सी तो प्रिंट एफ हो जाएगा ए इज़ ग्रेटर, और अगर नहीं है, अगर सी बड़ा है तो प्रिंट एफ हो जाएगा सी इज़ ग्रेटर। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ना कि तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है। देखो ए इसमें क्या लिख दिया इन्होंने, इफ़ ए तो ऑलरेडी बोल दिया कि बी से बड़ा है, अब हम ये चेक कर रहे हैं कि जो ए है वो सी से बड़ा है या नहीं। अगर ए बी सी से बड़ा है तो ए ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और अगर सी ए से बड़ा है और
ए तो ग्रेटर देन बी है ही, तो सी ए और बी दोनों से बड़ा हो गया, तो कौन सा ग्रेटेस्ट हो जाएगा? सी। अब ये तो कंडीशन थी इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो ये तो इफ़ की कंडीशन थी। फिर एल्स, एल्स में हम क्या लिख सकते हैं? अगर इफ़ बी ग्रेटर देन सी तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? बी इज़ ग्रेटेस्ट है। और अगर एल्स, वरना क्या होगा कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा हो जाएगा? सी बड़ा हो जाएगा। गेट सी एच, इससे फिर हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट मिल जाएगा। देखो जैसे इन्होंने एंटर करवाई, एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी सी, आपका इतना आ जाएगा आउटपुट। मतलब आप ये प्रोग्राम लिखोगे ना, फिर जैसे रन करवाओगे, फिर क्या आएगा आपका, जैसे आउटपुट लिखा हुआ आ जाएगा और ये लिखा आएगा कंप्यूटर के अंदर एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो ये तीनों वैल्यू आपको ही एंटर करनी है। जैसे 479 एंटर कर दिया, तो ये ए बी सी वैल्यू ऐसे सिक्वेंस में थी, तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया? सी इज़ ग्रेटेस्ट। अगर हम ऐसे लिख देते 832, तो हमारा ए इज़ ग्रेटर हो जाता। वो हमारी मर्जी है हम कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये था हमारा किसका, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम। और ये हमारा थी कि हमें किस एग्ज़ाम में क्या लिख के आना, ये लिख के आओगे पहले, थोड़ा उसके बारे में डिटेल दोगे, फिर एक प्रोग्राम भी लिख दोगे। उसके बाद ये आप देख लेना अगर देखना चाहो तो, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाले प्रोग्राम्स। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। देखो क्या है ये, द एल्स इफ़ लैडर, कुछ कुछ सिमिलर उसी टाइप की एल्स इफ़ लैडर। देखो उसमें तो क्या था, हमारा एक के अंदर एक नेस्ट थी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, एक जो हमारी एक जो हमारा फ्लो चार्ट होगा ना, जैसे उसके अंदर एक के अंदर ऐसे जाते हुए फिर यहाँ पे भी एक हमें ऐसे मिल गया था टेस्ट एक्सप्रेशन। दो कंडीशन थी, मतलब एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दो एक और इफ़ स्टेटमेंट आ गई थी, लेकिन इसमें क्या होगा, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर काफ़ी सारी मल्टीपल हमारी इफ स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। देखो इस टाइप से, जैसे कि हमने एंट्री करी, ठीक है, एंट्री करी थी, वही टेस्ट कंडीशन देखेंगे। अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक वन और हमारा बचा हुआ प्रोग्राम हमें दिख जाएगा। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन सही नहीं है, गलत है, तो हम जाएंगे कंडीशन नंबर टू पे। अगर कंडीशन नंबर टू सही है तो स्टेटमेंट ब्लॉक टू पे जाएंगे, देन बचा हुआ प्रोग्राम। अगर वो भी गलत है तो हम जाएंगे कंडीशन नंबर थ्री पे। फिर अगर वो सही है तो स्टेटमेंट ब्लॉक थ्री एंड बचा हुआ प्रोग्राम। और अगर वो भी गलत है, ऐसे करते करते 4, 5, 6 एन एथ स्टेटमेंट में हम पहुँच जाएंगे। अगर वो सही है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एन, अगर वो भी गलत है तो स्टेटमेंट ब्लॉक एन प्लस वन एंड देन बचा हुआ प्रोग्राम। देखो इसमें क्या हुआ, हमारे जैसे ये फर्स्ट इफ स्टेटमेंट है, उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट, फिर एक और इफ स्टेटमेंट, एक और इफ स्टेटमेंट, मतलब इसके अंदर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट है ना। तो वैसे तो हुई तो इसमें भी नेस्टिंग है, लेकिन लैडर की फॉर्म में है ये, बहुत सारी नेस्टिंग हुई है इसके अंदर, तो इस वजह से हम इसको क्या बोल देंगे, एल्स इफ लैडर। देखो लैडर टाइप की दिख रही है ना ये हमें, ऐसे लैडर टाइप की, तो इस वजह से इसको हम बोल देंगे एल्स इफ लैडर। देखो अब इसका हम लिखेंगे किस फॉर्म में, अनदर फॉर्म ऑफ नेस्टिंग मल्टीपल इफ टुगेदर इज बाय यूजिंग द एल्स इफ लैडर। इट इज़ अ चेन ऑफ इफ्स, ये किस चीज़ की चेन है, इफ्स की चेन है, इन विच द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद ईच एल्स इज एन इफ। इट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म, देखो कैसे, इफ अगर कंडीशन वन सही है तो स्टेटमेंट ब्लॉक वन, अगर इफ मतलब वन ही सही है, देखो अगर कंडीशन वन सही है तो स्टेटमेंट ब्लॉक, देन बचा हुआ प्रोग्राम, अगर नहीं तो एल्स इफ कंडीशन नंबर टू, अगर वो भी नहीं तो एल्स इफ कंडीशन नंबर थ्री, एल्स इफ कंडीशन नंबर फोर, इस तरीके से आप करोगे। तो एल्स इफ कंडीशन नंबर टू देन स्टेटमेंट ब्लॉक टू, एल्स इफ कंडीशन नंबर थ्री देन स्टेटमेंट ब्लॉक थ्री, एल्स इफ कंडीशन एंड स्टेटमेंट ब्लॉक एन, देन लास्ट पे आप लगा दोगे एल्स इफ। फर्स्ट वाली कंडीशन होगी हमारी इफ, लास्ट वाली होगी एल्स, बीच वाली होगी एल्स इफ। ओके, एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक एन प्लस वन, ये आपका होता है सिंटैक्स टाइप का, आप लगा सकते हो कि हमें किस टाइप से हमें लिखना है इसके अंदर। अब वही पहले आप ये फ्लो चार्ट बनाओगे, थोड़ा इसके बारे में लिख के आओगे, एंड देन एक बार ये और देख लेते हैं। व्हेन अ लॉजिकल एक्सप्रेशन इज इनकाउंटर्ड हुज वैल्यू इज नॉन जीरो ट्रू, कोरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड द रिमाइंडर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट will be skipped, thus control will be transferred out of the entry nest once a true condition encountered। क्या है कि हमारा जो logical expression होगा वो encounter होगा जहाँ हमारी non-zero corresponding statement होगी वो execute हो जाएगी। non-zero का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर zero आ गया तो इसका मतलब है कि statement false है, non-zero का मतलब true है, तो वो non-zero लिख देते हैं, true condition को non-zero लिख देते हैं। तो जहाँ भी हमारी true condition हो जाएगी वहीं हमारी जो rest of जो ये वाली ladder है वो रुक जाएगी और rest of the program हमें दिख जाएगा।
ओके तो अब हम देखेंगे एक प्रोग्राम इसी से रिलेटेड है। देखो क्या है ये प्रोग्राम, प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट एलसीएफ लैडर। हमें कोई प्रोग्राम ये इलस्ट्रेट करने के लिए, मतलब समझने के लिए कि एलसीएफ लैडर किस तरीके से काम करेगी, हम एक प्रोग्राम ले रहे हैं। देखो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, stdio है वैसे ये, डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच वॉइड मेन, ये तो हमें लिखना ही होता है प्रोग्राम की स्टार्टिंग के लिए, ताकि वो सी के सारे फीचर्स उठा ले, इसलिए हमने वॉइड मेन यूज़ कर लिया। देन हम क्या ले रहे हैं, देखो फ्लोट टाइम, टाइम ले रहे हैं किस फॉर्म में, फ्लोट फॉर्म में, क्योंकि टाइम हमारा यूँ होता है 12:05, मतलब यूँ इस टाइप से, मतलब जो हमारा टाइम है वो पॉइंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, जो पॉइंट्स की फॉर्म में जो टर्म्स होती है वो हमारी किस में होती है, फ्लोट में, तो हम टाइम ले रहे हैं तो फ्लोट टाइम ले लिया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन, तो हमने क्या कर दी, क्लियर स्क्रीन कर दी ताकि पहले वाली आउटपुट हमें ना दिखे। प्रिंट एफ कराओ, एंटर टाइम, टाइम को एंटर कराएंगे क्योंकि ये फ्लोट है तो परसेंट एफ का यूज़ होगा, एम्फरसेंट टाइम एड्रेस के लिए। अब देखो अब हमें क्या लगाना है इसके ऊपर, इफ़ एल्स लैडर वाला रूल लगाना है। देखो क्या है, इफ़ अगर टाइम है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब जैसे हम मैथ में तो ऐसे लिख देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन इसमें ऐसे नहीं लिख सकते, इसमें लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर जो टाइम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0, मतलब ज़ीरो है, एंड टाइम है वो लेस देन 12.0 है, मतलब अगर टाइम है वो मतलब ज़ीरो से बड़ा है या उसके इक्वल है और टाइम 12 बजे से कम है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्या प्रिंट हो जाएगा, गुड मॉर्निंग। else if अगर टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है एंड लेस देन 18 है तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, गुड आफ्टरनून। अगर ये हमारी टर्म्स चल रही हैं, देखो इफ़ अगर ये है देन else if else if else if, एंड मैंने बताया था ना कि फर्स्ट स्टेटमेंट इफ, लास्ट else, बीच वाली else if, देखो उस तरीके से चल रहा है ये हमारा, क्या हो गया एक्सप्रेशन। ये हमने क्या लगा दी, वो कंडीशंस वगैरह जो ब्रेसिस के अंदर हम लिखते हैं स्टेटमेंट ब्लॉक। फिर ये अगर ये है तो गुड आफ्टरनून हो जाएगा, इफ़ अगर टाइम की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है एंड लेस देन 21 है तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, गुड इवनिंग। एल्स इफ अगर टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन 21 है एंड लेस देन 24 है तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, गुड नाइट। एल्स अगर टाइम आउट ऑफ रेंज है, मतलब क्या है, अगर कुछ ना कुछ टाइमिंग है तो हमारी ये प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज जैसे हमने ये लिखा 26 कोई बजते हैं घड़ी के अंदर, नहीं बजते हैं तो वो उसमें क्या लिखा जाएगा हमारा, आउट ऑफ रेंज, टाइम आउट ऑफ रेंज, गेट सी एच एंड देन ब्रेसिस क्लोज। या पर ये जरूरी नहीं आपको ये ऐसे याद करना है कि जीरो से बड़ा टाइम, 12 से कम, वो आप अपनी मर्जी से फिक्स कर सकते हो। ओके देखो जैसे आउटपुट हमने ली, क्या किया हमने, एंटर कर दिया टाइम 4.5, जैसे 4.5 क्या जो जीरो से बड़ा है एंड 12 से कम है तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया। अगर हमने 18 लिया, देखो 18 इसमें आएगा हमारा इक्वल टू और ग्रेटर देन में तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, गुड इवनिंग। अगर इन्होंने 25 करवा दिया तो 25 तो टाइम होता ही नहीं है तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, टाइम आउट ऑफ रेंज, क्योंकि टाइम तो वो है ही नहीं। देखो ये था ना एल्स, अगर इससे कुछ और आ गया, इससे बाहर कुछ और आ गया तो क्या प्रिंट हो जाएगा, टाइम आउट ऑफ रेंज। अब देखो एक और प्रोग्राम करवा रही हूँ मैं, ये जो आपका प्रोग्राम है ना वो इम्पोर्टेंट है तो इसलिए मैं ये और करवा देती हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट ग्रोस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। देखो है तो ये ऊपर वाले जैसा ही जो अभी हमने किया है, लेकिन देखो इसमें क्या है, अगर जो हमारी बेसिक पे है, जैसे इसमें तो हमने खुद एग्जांपल ले लिया था कि टाइम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन 12 है, ये है वो है, तो सिमिलर इसमें इन्होंने खुद दे दिया कि अगर जो हमारी बेसिक पे है वो लेस देन 10,000 है, बेसिक पे है वो 10,000 और 20,000 के बीच में है और 20,000 के इक्वल है, बेसिक पे इतनी है, अगर ग्रेटर देन 30,000 है तो HRA किसका क्या हो जाएगा, 10% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा, 15% ऑफ, 20% ऑफ, 25% और DA 30%, ऐसे हो जाएगा ये। ओके तो इसको हमें प्रोग्राम के फॉर्म में कैसे लिखना है, ये पेपर में काफ़ी बार आया भी हुआ है आपका, तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, वही देखो प्रोग्राम की स्टार्टिंग तो उससे ही होगी, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच एंड हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच वॉइड मेन, वही सारे फीचर्स उठा लेगा वो सी लैंग्वेज के। उसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे, देखो हम क्या लेंगे, फ्लोट, ताकि हम कोई भी रियल नंबर्स वगैरह ले सकें, इसलिए हमने क्या ले लिया, फ्लोट, बेसिक पे HRA DA GS, यही हमें ग्रोस सैलरी, यही हमें चार चीज़ें इसके अंदर देखो दी हुई हैं,
बी पी एच आर ए डी ए एंड ग्रोथ सैलरी, तो उसको जी एस से दिखा दिया इन्होंने। तो हम चार चीज़ ले लेंगे फ्लोट के अंदर, ये चारों चीज़ें, एंड देन सेमी क्लोन कोलन, देन हम क्या करेंगे क्लियर स्क्रीन ताकि पहले की कोई आउटपुट हमें दिखे ना, देन सेमी कोलन। उसके बाद क्या करेंगे प्रिंट एफ, क्या प्रिंट कराना है, एंटर बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय की बेसिक पे कितनी है एम्प्लॉय की। उसके बाद स्कैन एफ हो जाएगा क्योंकि ये फ्लोट है, परसेंट एफ एंड देन एम्फरसेंट बी पी, मतलब उसका एड्रेस दे दिया। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ क्या है हमारा, इफ़ के अंदर क्या आएगा, अगर हमारी बेसिक पे लेस देन इक्वल टू 10,000 है तो। देखो इफ हमारी बेसिक पे मतलब बी पी लेस देन इक्वल टू 10,000 है तो देखो हमारा एच आर ए क्या हो जाएगा, 10% ऑफ बी पी, मतलब बी पी इंटू स्टार का मतलब इसमें इंटू ही होता है 10/100, तो ये हो जाएगा। और डी ए कितना इक्वल दे रखा है 30% ऑफ बी पी, तो हमारे क्या हो जाएगा बी पी इंटू 30/100, तो ये हमारी इफ़ की कंडीशन होगी। फिर क्या आएगा हमारा एल्स, एल्स के अंदर हम क्या लगाएंगे, या तो आप ये कर लो इसके अंदर मतलब लैडर की फॉर्म में लगा लो इसको, या फिर इन्होंने इसके अंदर वो नेस्टिंग वाला रूल होता था वो भी लगा रखा है। देखो पहले हमने इफ़ की कंडीशन ली, उसके बाद एल्स, इफ़ है हमारा अगर बी पी लेस देन इक्वल टू 10,000 है तो हमारे ये हो जाएगा एल्स अगर, एल्स के अंदर फिर हमने ब्रेसिस स्टार्ट कर दी एंड उसके अंदर एक और इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगा दी। उसके अंदर देखो क्या होगा, इफ़ अगर जो हमारी बी पी की वैल्यू वो लेस देन इक्वल टू 20,000 है तो हमारा देखो एच आर ए क्या होगा, डी ए क्या होगा, एच आर ए हमारा क्या है 15%, मतलब 15 बी पी अपॉन 100 एंड डी ए हमारा क्या हो जाएगा बी पी इंटू 35/100, तो ये हमारा ऐसे दे दिया इन्होंने एल्स। फिर हमारी एक और एल्स कंडीशन है, एल्स के अंदर फिर से हम एक इफ लगा देंगे, वो क्या है कि अगर बी पी की वैल्यू लेस देन 30,000 है तो वो अगर इफ़ बी पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 30,000 है तो एच आर ए क्या हो जाएगा 20% ऑफ बी पी एंड 40% ऑफ बी पी डी ए हो जाएगा। तो वही इन्होंने लगा दिया 20% ऑफ बी पी 40% ऑफ बी पी। देन अब हम देखो हमने अगर यहाँ पे ये वाली ब्रेसिस शुरू करिए तो यहीं पे ये ख़त्म हो जाएगी, एल्स की कंडीशन आई फिर एक ब्रेसिस शुरू करी फिर उसके अंदर एक और इफ़ की कंडीशन फिर ब्रेसिस स्टार्ट ये ख़त्म, फिर एल्स इफ़ है फिर एल्स आएगा, फिर हमारा क्या है इसके अंदर कि वो ग्रेटर देन 30,000 है तो हमारा क्या है 25% ऑफ बी पी एंड 45% ऑफ बी पी, तो हमारा ये हो गया। अब ये ब्रेसिस अगर यहाँ से शुरू हुई तो इसके नीचे ख़त्म कर दो, उसके बाद ये ब्रेसिस कौन सी है जो हमारी स्टार्ट हुई है पहले उसके नाम की है ये वाली ब्रेसिस, फिर इसके नाम की ये वाली ब्रेसिस है, फिर इसके नाम जो हमारी देखो ये वाली ब्रेसिस तो इन्होंने यहाँ लगा दी जो हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट करी थी, उसके बाद जो ये वाली ब्रेसिस स्टार्ट करी थी वो इसके नीचे ये वाली लगा दी, और ये वाली ब्रेसिस ये वाली है, मतलब ये ब्रेसिस ख़त्म करनी बहुत ज़रूरी है अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो। उसके बाद देखो हमने तो ये सारी कंडीशन लगा दी कि ये जो इन्होंने दे रखा था, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करनी है, ग्रोसरीज सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो ग्रोसरी सैलरी हमारी किसके इक्वल होती है, ये जो तीनों आए हैं इनका ऐड करके प्रिंट एफ क्या हो जाएगा हमारा, ग्रोसरी सैलरी इज़ प्रेजेंट एफ जी जी एस गेट सी एच, उसके बाद हमारा ऐसे आएगा। जब हम ये पूरा प्रोग्राम लिख दें कंप्यूटर के अंदर एंटर करके उसको रन करवा देंगे तो आप अपने आप से वो आ जाता है कि एंटर बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय। तो मान लो हमने बेसिक पे 9,000 कर दिया तो उसकी ग्रोसरी सैलरी अपने आप निकल के आ जाएगी। ओके तो ये था आपका एक और प्रोग्राम, जो ये नेक्स्ट प्रोग्राम बिल्कुल सेम है इसके जैसा ही है, वही हम ये ले लेंगे इफ़ फिर इफ़ एल्स स्टेटमेंट फिर से एल्स स्टेटमेंट एंड देन इनको निकाल लेंगे वही, देन आउटपुट में हम वैल्यू पुट कर देंगे एंड देन हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो आज हम यहीं तक करते हैं, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।